माइक्रोमैक्स का ये 40 इंच का जो एलईडी टीवी था उसको हमने परफेक्ट रिपेयर कर दिया है। तो क्या इश्यू था, क्या प्रॉब्लम था, ये देखने के लिए पूरा वीडियो देखिए। चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। सिस्टम कंप्यूटर यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। तो शुरू करते हैं। AUO का ये पैनल है, टी नंबर आपको दिखा देता हूँ। नंबर यहाँ पे है T390XVN0.0XL। तो अभी इसमें नो पिक्चर का इश्यू है, हमारा सेट नो पिक्चर था। तो यहाँ पर इश्यू में लेवल शिफ्टर रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो VGL जो वोल्टेज होते हैं वो कभी हाई कभी लो का इश्यू था। उसका सॉल्यूशन कैसे करना है, क्या सॉल्यूशन है, उस पे बात करेंगे। तो पहले आपको फॉल्ट दिखा देता हूँ मैं, जो दो रजिस्टर है जहाँ पे जो वोल्टेज कभी VGH कभी VGL हो रहे हैं वहाँ पे इश्यू है, उस वजह से ये सेट नो पिक्चर था। तो फर्स्ट नंबर के रजिस्टर पे इश्यू था, देखिए VGH VGL। सेकंड नंबर के रजिस्टर पे भी इश्यू था, VGH VGL। दोनों 0 ohms के रजिस्टर्स को यहाँ से रिमूव कर दिया है और वहाँ पे हम अभी वोल्टेज बाईपास करेंगे। तो सबसे पहले मैं जंपर कर लेता हूँ फर्स्ट वाले रजिस्टर को, उसमें हम VGL वोल्टेज देंगे। थोड़ा अच्छे से जंपर कीजिए ताकि जंपर वीक ना हो और फ्यूचर में कोई इश्यू ना हो। पहले पॉइंट को हम VGL में कनेक्ट करेंगे और सेकंड पॉइंट को हम VGH में कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि हमारा इश्यू सॉल्व हो रहा है या नहीं। यहाँ पर VGL का पॉइंट है, VGL को मैंने ब्लैक रखा है और VGH को मैंने रेड वायर रखा है। अभी हम सेट को ऑन करेंगे और वोल्टेज चेक करेंगे, वोल्टेज आपको मीटर में दिखाई देंगे दोस्तों। ये सेट की बैकलाइट ऑन हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको मल्टीमीटर में वोल्टेज दिखाऊंगा, जो VGL, ये पहला वाला ब्लैक वाला जो VGL है, सेकंड वाला VGH है, आप वोल्टेज देख सकते हैं। ये हमने बाईपास कर दी है। अभी हम देखते हैं सेट को, क्या हमारा पिक्चर बन चुका है। पिक्चर तो नहीं बना है और इश्यू में पूरा ब्लैंक डिस्प्ले और ऊपर और साइड पर थोड़ा ब्लू लाइन आ रहा है। तो वोल्टेज में थोड़ा मॉडिफिकेशन करना होगा। VGL का जो पॉइंट है वो तो सही है, लेकिन VGH का जो पॉइंट है उसमें थोड़ा वोल्टेज डाउन करके देखेंगे। VGH की जगह AVDD का सप्लाई देके देखेंगे क्या सॉल्यूशन हो रहा है। तो यहाँ पे इस कैपेसिटर पे मैं लगा रहा हूँ जहाँ पे AVDD वोल्टेज मुझे मिल रहे हैं 15 volt के आसपास। और अभी फिर से सेट को ऑन करेंगे और वोल्टेज मेज़र करवाऊंगा मैं आपको मीटर से। देखिए यहाँ पे 15 volt AVDD मैंने दे दिया है। अब देखते हैं हमारा पिक्चर बन रहा है या नहीं बन रहा है। ओके, वेरी गुड, यहाँ पे पिक्चर बन चुका है, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम है।
स्कैनिंग लाइन का इश्यू है, परफेक्ट पिक्चर क्लियर नहीं है, स्कैनिंग लाइंस का इश्यू आ रहा है जो हमें डबल इमेज के बाद शो होता है, तो थोड़ा और मॉडिफिकेशन करना होगा। AVDD की जो सप्लाई है वो 15 वोल्ट के आसपास है, तो अभी यहाँ पे 12 वोल्ट सप्लाई देके चेक करेंगे कि स्कैनिंग लाइन रिमूव हो रही है नहीं। तो अभी यहाँ पे मुझे एक कैपेसिटर है जहाँ पे मुझे 12 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, तो 12 वोल्ट की सप्लाई देके चेक करेंगे कि स्कैनिंग लाइन निकल रही है नहीं। जो भी मैं जम्पर कर रहा हूँ PCB में उसका वोल्टेज का रीडिंग आपको दिखा रहा हूँ। बैकलाइट ऑन हो चुकी है, सेट ऑन हो चुका है, और फर्स्ट वाले पिन पे, अरे सेकंड वाले पिन पे जो 12 वोल्ट है वो प्रेजेंट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो अभी पिक्चर देखते हैं उसमें स्कैनिंग लाइन रिमूव हो चुका है या नहीं हमारा। ओके, पिक्चर एकदम परफेक्ट बन चुकी है, अभी स्कैनिंग लाइन का इश्यू नहीं है। सेट को ऑन ऑफ करके भी दिखाऊंगा आपको, ये देखिए सेट को ऑफ किया, सेट को फिर से ऑन किया, और यहाँ पर माइक्रोमैक्स का लोगो भी आ चुका है, पिक्चर एकदम परफेक्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्तों, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे बहुत से टेक्निकल वीडियोज़ के लिए चैनल को शेयर कर दीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये वोल्टेज रीडिंग आप एक बार लास्ट बार फिर से देख लीजिए।